लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बीते दिन 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 28 महिलाओं के नाम शामिल हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद देश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से, जिस पर पिछले 3 दशक से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे और अब असदुद्दीन ओवैसी यहां से 4 बार से सांसद बनते हुए आ रहे हैं। भाजपा ने इस सीट से कोम्पेला माधवी दत्ता को मैदान में उतारा है। तो चलिए जानते हैं ओवैसी की गढ़ में भाजपा ने जिस चेहरे पर दाव खेला है, कौन है वो कोम्पेला माधवी दत्ता और क्या है हैदराबाद सीट का इतिहास। कोम्पेला माधवी लता डॉक्टर माधवी विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। हैदराबाद में माधवी लता सामाजिक कामों के लिए जानी जाती है। ट्रस्ट संस्थाएं, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में वे काम कर रही हैं। साथ ही लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की वे प्रमुख भी हैं। लता हिंदुत्व के लिए अक्सर मुखर होती दिखाई देती हैं। हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। भाजपा का टिकट मिलने के बाद क्या बोली माधवी लता, सुनिए। मैंने 8 साल से देख रही हूं उन लोगों को, और खास करके 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं मैं। भाजपा ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो पार्टी ने भगवत राव को यहां से उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें ओवैसी से लगभग 3 लाख वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है। 1951 के बाद से अब तक हैदराबाद लोकसभा सीट पर 17 आम चुनाव हुए हैं। 1951 में पहली बार इस सीट से कांग्रेस के अहमद मोहिद्दीन को जीत मिली, जिसके बाद 1951 से 1980 तक 7 बार के चुनाव में 6 बार कांग्रेस को जीत मिली। 1984 में पहली बार ओवैसी परिवार ने इस सीट पर एंट्री ली। सुल्तान सलाउद्दीन निर्दलीय चुनाव जीत सांसद बने। 1979 में सलाउद्दीन ने AIMIM से चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। इसके बाद हैदराबाद पिछले 3 दशक से ओवैसी का गढ़ बन गया। सुल्तान सलाउद्दीन के बाद असदुद्दीन ओवैसी यहां से जीत हासिल कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के गढ़ में हिंदुत्व का चेहरा कितना कारगर साबित होता है। भाजपा ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला कड़ा करने की कोशिश तो की है, लेकिन ओवैसी को उनके गढ़ में हराना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा।